दोस्तों आज हम ये जानेंगे कि हमारे शरीर में वात दोष बढ़ा हुआ है तो हमें कैसे पता चलेगा, और वात दोष जो हमारे शरीर में बढ़ा हुआ है उसे हम कौन सी ऐसी आयुर्वेदिक दवाइयाँ और कौन सी ऐसी पंचकर्म चिकित्साएं हैं कि जिसका सेवन करके अपने शरीर में बढ़े हुए वात दोष को हम ठीक कर सकते हैं। जी हाँ दोस्तों, मैं डॉक्टर सुहेल दलाल और आप सभी लोगों का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल संजीवनी आयुर्वेदा हॉस्पिटल में। संजीवनी आयुर्वेदा एंड पंचकर्मा हॉस्पिटल, रिजुविनेट योर माइंड बॉडी एंड सोल। दोस्तों आज के इस वीडियो में हम चर्चा करने वाले हैं हमारे शरीर में बढ़े हुए वात दोष को हम कैसे ठीक कर सकते हैं। हमारा शरीर तीन चीजों का बना हुआ है। आयुर्वेद में ऐसा कहा गया है कि दोष धातु मल मूलम ही शरीरम। हमारा शरीर है वो तीन दोष, सात धातु और तीन मलों से बना हुआ है। तीन दोष में वात, पित्त और कफ, सात धातुओं में रस, रक्त, मांस, मेद, अस्थि, मज्जा और शुक्र, और तीन जो मल है उसमें है पुरुष, मूत्र और स्वेद। इन चीजों से हमारा शरीर बना हुआ है। उसमें से जो तीन दोष है, सबसे पहले है वात, फिर पित्त और तीसरा है कफ। आयुर्वेद में ऐसा बताया गया है कि वायु है वो यंत्र तंत्र धर है, यानी कि सारी गति और सारी क्रियाएं जो है वो वायु की वजह से ही होती है। हमारे शरीर में कफ दोष बढ़ने की वजह से 20 प्रकार के रोग होते हैं। हमारे शरीर में पित्त दोष बढ़ने की वजह से 40 प्रकार के रोग होते हैं, और हमारे शरीर में वायु दोष यानी कि वात दोष बढ़ने की वजह से 80 प्रकार के, यानी कि जितने भी रोग हैं वो वात दोष बढ़ने की वजह से होते हैं। पित्त और कफ के जितने रोग हैं उसको भी बढ़ाने के लिए वात दोष की आवश्यकता रहती है। तो आइए दोस्तों देखते हैं कि वात दोष हमारे शरीर में बढ़ा है वो हमें कैसे पता चलता है। वात दोष के जो गुण है वो है रुक्ष, लघु, शीत, खर, सूक्ष्म, चल, अनिल। यानी कि ये सारे गुण अगर हमारे शरीर में बढ़ जाते हैं तो ऐसा माना जाता है कि हमारे शरीर में वात दोष बढ़ा हुआ है। अगर वात का रुक्ष गुण बढ़ जाता है तो हमारी त्वचा सूखी पड़ जाती है, हमारे बाल झड़ने लगते हैं, हमारे जो जॉइंट्स हैं उसमें से कट 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 आवाज आने लगता है, हमारे मसल्स में पेन होने लगता है, हमारी जो नर्व्स हैं उसमें पेन होने लगता है, हमारे जॉइंट्स में पेन होने लगता है। जब ये रुक्षता का यानी कि स्निग्धता कम हो जाती है और रुक्षता यानी कि ड्राइनेस बढ़ जाती है तब ये सारे सिम्टम्स हमें देखने को मिलते हैं। और रुक्षता के बारे में अगर हम देखें तो गर्दन में दर्द होना, कमर में दर्द होना, जोड़ों में दर्द होना, ये सारे लक्षण हमें दिखाई देते हैं। उसके बाद महिलाओं में जो मासिक के समय पे दर्द होता है, पीरियड्स का जो पेन होता है, वो भी वात दोष की वजह से ही होता है। जनरली वात दोष की जो गति है वो अनुलोमन होती है, अनुलोम गति होती है, वो वात दोष की अनुलोम गति ना होने की वजह से भी पीरियोडिक पेन होते हैं। और विंटर्स में ज़्यादातर हम देखते हैं कि वायु के शीत गुण की वृद्धि होने की वजह से भी स्किन में ड्राइनेस आना और जोड़ों में दर्द होना, मसल्स में पेन होना, ये सारे सिम्टम्स हमको देखने को मिलते हैं। उसके बाद जब वायु का चल गुण बढ़ जाता है, चल गुण बढ़ने की वजह से शरीर में चंचलता आ जाती है, मतलब एक जगह पे जिसकी बॉडी में वायु का चल गुण बढ़ा हुआ है वो एक जगह पे स्थिर नहीं बैठ सकता है, वो अपने काम में अच्छे से फोकस नहीं कर सकता है, उसको अच्छे से गहरी नींद नहीं आती है। अगर नींद आती है तो थोड़ी थोड़ी देर में वो नींद खुल जाती है और नींद में बहुत सारे सपने आते हैं, कोई भी काम में अपना मन फोकस नहीं कर पाता है, छोटी छोटी चीज़ों को बार बार भूल जाता है। ये सारे सिम्टम्स जब वायु का चल गुण बढ़ जाता है, जनरली हम देखते हैं कि कुछ ऐसे बच्चे हमारे पास आते हैं जो हाइपर एक्टिव डिसऑर्डर से पीड़ित होते हैं, उन केसेस के अंदर में वायु का चल गुण बढ़ा हुआ होता है। उसके बाद जब वात दोष ज़्यादा बढ़ जाता है तो वात दोष बढ़े हुए जो व्यक्ति होते हैं उनकी अग्नि विषम हो जाती है। विषम अग्नि का मतलब होता है कि कभी उनको बहुत ज़्यादा भूख लगती है तो कभी उनको बिल्कुल भी भूख नहीं लगती है, यानी कि वात दोष बढ़ने का ये भी एक बहुत बड़ा लक्षण है जिसमें अग्नि आपकी विषम हो जाती है। जब वात दोष बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है तो उसको विष्टब्ध जीर्ण हो जाता है, यानी कि कब्ज हो जाती है, मल जो है वो बिल्कुल सख्त हो जाता है और स्टूल पास करने में यानी कि पेट क्लीन करने में बहुत ही तकलीफ होती है, अच्छे से स्टूल पास नहीं हो पाता है। ये सारे सिम्टम्स जो है ये वात दोष बढ़ने की वजह से देखने को मिलते हैं। और कब्ज की वजह से पेट में दर्द होना, गैस होना, ब्लोटिंग होना, ये सारे सिम्टम्स भी हमें देखने को मिलते हैं। अब दोस्तों हमने ये तो देखा कि वात दोष हमारे शरीर में बढ़ा हुआ है, ये हमें कैसे पता चलता है, उसके क्या क्या लक्षण देखने को मिलते हैं वो आज हमने यहाँ पे देखा। अब हमारे शरीर में बढ़े हुए वात दोष को हम कैसे ठीक कर सकते हैं,
ऐसी कौन सी आयुर्वेदिक चिकित्साओं को हम अपना सकते हैं कि जिसको करके हम अपने शरीर में बढ़े हुए वात दोष को कम कर सके। बढ़े हुए वात दोष को शरीर में कम करने के लिए सबसे बेहतरीन उपाय है, सबसे बेहतरीन चीज है, वो है तिल तेल। तिल तेल का आप बाह्य और अभ्यंतर दोनों तरीके से इस्तेमाल कर सकते हैं, यानी कि आप अभ्यंग के स्वरूप में भी तिल तेल का इस्तेमाल कर सकते हैं। पूरी बॉडी पे आप तिल के तेल को गर्म करके हो सके तो आप काले तिल का तेल लें। काले तिल का तेल है वो परम वातशामक है। काले तिल के तेल को गर्म करके उसकी आप मालिश करें। वही तेल, काले तिल के तेल का आप शिरोभ्यंग भी कर सकते हैं, सर में भी मालिश कर सकते हैं, और एक गिलास गर्म गुनगुने पानी के साथ एक चम्मच तिल के तेल का आप रात को सोने के वक्त अभ्यंतर यानी कि इंटरनल यूज भी कर सकते हैं, उसका सेवन भी कर सकते हैं। तिल का तेल का सेवन करने से आपके शरीर में बढ़ा हुआ वात दोष है वो कंट्रोल में आ जाता है, आपका मेटाबॉलिज्म भी ठीक हो जाता है। आप तिल के तेल की जगह पे गाय के घी का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। गाय का घी जो है वो भी वात और पित्त दोनों का शमन करता है, तो आप तिल के तेल की जगह पे गाय के घी का इस्तेमाल भी कर सकते हैं। अभ्यंग यानी कि तिल के तेल का अगर हम अभ्यंग करते हैं तो अभ्यंग के बारे में आचार्यों ने ये कहा है, अभ्यंगम आचरे नित्यम स जराश्रम वात हरा दृष्टि प्रसाद पुष्टायुः स्वप्न सुत्व कत्व दाढ़ यकृत। यानी कि वात दोष जब बड़ा हुआ है तो अभ्यंग करने से हमें बहुत सारे बेनिफिट होते हैं। अगर आप पूरी बॉडी पे मसाज यानी कि अभ्यंग नहीं कर सकते हैं तो आपको रात को सोने से पहले अपने पैरों के तलवों में अभ्यंग करना है, यानी कि तिल के तेल का मसाज करना है, जिसे पाद अभ्यंग कहा जाता है। पाद अभ्यंग करने से भी आपकी नर्वस सिस्टम रिलैक्स हो जाती है और आपको बहुत अच्छे से नींद आती है। उसके अलावा आप रात को सोते समय तिल के तेल का नस्य भी कर सकते हैं। तिल के तेल को गर्म करके उसकी दो दो बूंदे नाक में रोज डालकर रात को सोने से पहले इसको डालकर आप सो सकते हैं। इसे प्रतिमर्श नस्य कहा जाता है। अब अगर आपकी शरीर में दोस्तों वात दोष बढ़ा हुआ है तो आपको कौन सा फूड लेना चाहिए वो भी हम देख लेते हैं। हम जनरली 6 रस का सेवन करते हैं, मधुर, अम्ल, लवण, कटु, तिक्त, कषाय। ये 6 रस जो है उसमें से कटु, तिक्त और कषाय, मतलब के कड़वा, तीखा और कसेला, ये जो रस है ये वात को बढ़ाने वाले हैं। अगर हमारी बॉडी में वात बढ़ा हुआ है तो हमें उसके ऑपोजिट 3 रस का सेवन करना है, यानी कि मधुर, अम्ल, लवण, मीठा, खट्टा और नमकीन। ये 3 रस का सेवन करने से भी हमारे शरीर में बढ़ा हुआ वात दोष जो है वो कम होता है। उसके अलावा अगर हमारे शरीर में वात का चंचलता वाला यानी कि चल गुण बढ़ा हुआ है तो हम मेडिटेशन करके भी उसका समन कर सकते हैं। ध्यान और मेडिटेशन करके भी वात का जो चल गुण यानी कि अस्थिरता वाला गुण जो बढ़ा हुआ है उसका हम शमन कर सकते हैं, उसको हम कंट्रोल में ले सकते हैं। अब आइए देखते हैं दोस्तों कुछ ऐसी आयुर्वेदिक औषधियां, अगर आपके शरीर में वात दोष बढ़ा हुआ है तो उसका सेवन करके आप अपने शरीर में वात दोष का शमन कर सकते हैं। सबसे पहली औषधि का नाम है दशमूल काढ़ा। दशमूल का काढ़ा बोतल में भी तैयार मिलता है और दशमूल के काढ़े का यवकुट चूर्ण भी मिलता है, जिसको आप 2 गिलास पानी में उबाल के 1/4 करके छान के उसे सुबह खाली पेट पी सकते हैं। उसके अलावा आप महाराष्ट्रादि काढ़े का भी सेवन कर सकते हैं। उसके अलावा आप अश्वगंधा और शतावरी का भी सेवन कर सकते हैं। अश्वगंधा भी वायु का शमन करता है, एंग्जाइटी, स्ट्रेस और डिप्रेशन जैसी बीमारियों में भी अश्वगंधा बहुत अच्छा रिजल्ट देता है। अश्वगंधा या शतावरी का अगर आप सेवन करना चाहें तो रात को सोने से पहले गर्म गुनगुने दूध के 1 कप के साथ उसको आप ले सकते हैं। उसके अलावा आप मुलेठी का सेवन कर सकते हैं। जिन लोगों को बढ़े हुए वात दोष की वजह से कब्ज यानी कि कॉन्स्टिपेशन रहता है, वैसे लोग हैं वो खाना खाने से आधा घंटा पहले अगर मुलेठी का सेवन करते हैं तो उनको सुख विरेचन होता है और वायु का शमन होता है, उनका पेट अच्छे से क्लीन हो जाता है और कब्ज दूर हो जाती है। उसके अलावा वात दोष बढ़े हुए हैं तो आप 2 ऐसी आयुर्वेदिक लिक्विड है जिसका भी सेवन कर सकते हैं जो अरिष्ट फॉर्म में है। एक का नाम है अश्वगंधा अरिष्ट और दूसरे का नाम है बलारिष्ट। ये दोनों का 15-15 ml यानी कि 3-3 चम्मच सुबह शाम खाना खाने के बाद पानी में मिक्स करके आप इसका सेवन करेंगे तो भी आपके शरीर में बढ़ा हुआ वात दोष है वो कंट्रोल में आ जाएगा। अगर आपको वीकनेस, कमजोरी है वो भी दूर हो जाएगी और अगर न्यूरोलॉजिकल प्रॉब्लम हुआ है तो वो भी, उसका भी शमन इससे हो जाएगा। क्योंकि आयुर्वेद में ऐसा माना जाता है कि जितनी भी न्यूरोलॉजिकल कंडीशन है वो सारी वात दोष के इम्बेलेंस होने की वजह से ही होती है। और अंत में अगर हम बात करें वात दोष को ठीक करने के लिए तो आयुर्वेद की पंचकर्म चिकित्साओं के अंतर्गत बताई गई बस्ती चिकित्सा वात दोष की चिकित्सा है। बस्ती को आधे रोगों की चिकित्सा माना गया है। फ्रेंड्स, बस्ती लेने का सबसे बेहतरीन समय पूरे साल में अगर हम देखने जाएं तो वो वर्षा ऋतु है, क्योंकि बारिश की सीजन में नेचुरली सबकी बॉडी में वात बढ़ता है, तो बस्ती का सेवन अगर वर्षा ऋतु में किया जाए तो वो बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल होता है। और अगर आपको
वर्षा ऋतु के अलावा अगर कोई सीजन में शरीर में वात दोष की वृद्धि महसूस होती है तो साल में कोई भी समय पे भी आप बस्ती ले सकते हैं। तो आज मैंने आपको ये बताया इस वीडियो में कि हमारे शरीर में अगर वात बढ़ा हुआ है तो हमें कैसे पता चलेगा, उसकी क्या क्या उपाय है, क्या क्या हमें आयुर्वेदिक दवाइयाँ लेनी चाहिए, कौन सी पंचकर्म चिकित्सा को हमें फॉलो करना चाहिए। आशा रखता हूँ दोस्तों आज का हमारा ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। अगर हमारा वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो हमारे चैनल संजीवनी आयुर्वेदा हॉस्पिटल को सब्सक्राइब करें, हमारे इस वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ इसे शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। हम अगले वीडियो में जल्द ही मिलेंगे, तब तक के लिए धन्यवाद। और संजीवनी आयुर्वेदा हॉस्पिटल का वेल ट्रेन्ड और एक्सपीरियंस स्टाफ आपको रोग मुक्त करने के लिए तैयार है। अरे देर किस बात की, जब हम होंगे साथ तो रहिए बेफिक्र आप। संजीवनी आयुर्वेदा एंड पंचकर्मा हॉस्पिटल, rejuvenate your mind, body and soul. Call now 7575098494 या 9879428494। 116 117 ग्रीन एलिना ऑपोजिट स्नेह संकुल वाड़ी, आनंद महल रोड, अडाजन, सूरत।